अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इलीगल एंट्रियां करवाई हुई है। अब जब हमारा डिपार्टमेंट वहां गया तो वो अपने उस इलीगल एंट्रियों को छुपाने के लिए और हम पर ये पथराव करवाया और उन लोगों के साथ मिलकर ये पथराव करवाया। उसमें बड़ी मुश्किल से हमने जान बचाई क्योंकि उन्होंने बहुत अरसे से ये इलीगल एंट्रियां करवा के हमारा रकबा इंक्रोचमेंट करवाया हुआ है। भी जगह जब जब हम जाते हैं तो हमें एक एक हफ्ता दे देते हैं कि हम आज करेंगे निशानदेही कल करेंगे, क्योंकि तब तक वो वहाँ के आवाम को बुला लेते हैं जिन्होंने इलीगल एंट्री करवाई हुई है और उनसे मिलजुल कर जब हम जाते हैं तो हमें डेट दे देते हैं और उसके बाद उनके साथ मिलकर हम पर पथराव करवा देते हैं। हाई कमांड से यही रिक्वेस्ट है कि वहाँ एक कमीशन मुकर करके उनकी इलीगल एंट्री है जो वो चेक किया जाए क्या उन्होंने मनसूख की है या नहीं की है, क्योंकि उन्होंने कागजों में मनसूख करके जब हमें ऊपर से लेटर आता है कि जब ये रकबा वापस लो तो तब कहते हैं नहीं आपकी एंट्री है अभी वापस, कोई इलीगल एंट्रियां नहीं है, खत्म हुई है। इसलिए हमारा ऊपर से ये हमारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिन जिन लोगों के दौर में ये इलीगल एंट्री हुई है और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सबको लगे कि पत्थर, किसी को लाठी लगी, किसी को पत्थर लगा, बजाय कोई चोट ज्यादा तो नहीं आई है लेकिन फिर भी जख्मी है, चोट बहुत लगी। लेकिन भागकर हमने अपनी जान बचाई, फिर गाड़ी में घुस भागकर गाड़ी में। हम तो प्रोटेक्शन फोर्स विंग से रखते हैं सब, तो हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट जब भी हमें या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है तो हम रेडी रहते हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है, हमारे पास सिर्फ लाठी से हम कितने रोक सकते हैं। इसलिए यहाँ ये वकुआ हुआ है, वहाँ पर हमारे स्टाफ रात को रहता रहा है, लोग छुप के वहाँ से पत्थर मारते हैं। इतना बड़ा आगाम जब दिन को इतना कर सकते हैं तो रात को क्या कर सकते हैं? पांच या छह आदमी प्रोटेक्शन फोर्स के कितने एक माप को रोक सकते हैं? क्या तो ये ऐसे इक्विपमेंट्स पे अगर मदद करती होती तो ये हालात क्यों बनते? अभी रंजीत साहब ने बोला है कि पूरी तरीके से ब्रीफ किया तो ये हालात बनते, मतलब जितने भी हालात यहाँ पर बने हुए हैं ये इन्हीं की वजह से बने हुए। ये रब्ता तहसीलदार साहब के पास आठ दिन से चल रहा था एसडीएम साहब का, इन्होंने लास्ट में रहकर जब जो है इन्होंने बोला कि हम कमीशन बढ़ाते हैं, कराते हैं रिपोर्ट, लेकिन ये डेट और टाइम कभी नहीं देते हैं। हमें ये समझते हैं कि जब बुलाएंगे या फिर ये आए ही नहीं, क्योंकि गलतियां छुपानी है। पहले रिपोर्ट देते हैं कि ये यहाँ पर जो है वो ये जंगल नहीं है, इधर तक मशीन चली है। हमने कहा रोक लो ना, आप ही तो रोकोगे ना, लॉ ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? नहीं रोकी। जब उसने डैमेज किया जंगल का तो कहते हैं डैमेज हो गया, ये जंगल हुआ। फिर उस पटवारी से पूछिए कितना प्रेशर उस पर बनाया गया कि तूने क्यों रिपोर्ट दी? पटवारी की साइंड रिपोर्ट है, उसको बोला गया अभी तक चिट्ठी है गवर्नमेंट की, जंगल के आप रखवाले हैं, आप एसडीएम साहब हैं, तो क्यों अपने पटवारियों को बोलते हैं रिपोर्ट मत दो, मैं कमीशन बनाता हूं? इंक्वायरी होनी चाहिए दराना बीट के अंदर, बीओ साहब इधर आओ, इंक्वायरी होनी चाहिए दराना बीट के अंदर जहां एक मकान खड़ा किया जाता है, फिर जो है उसको बोलते हैं ये जंगल में है, फिर कहते हैं लिख कर देते हैं प्राइवेट में है। कब तक ये ऐसे चलाते रहेंगे? तो किस तरह का नजमो नस्क है? पेल्टिंग के दौरान कुछ कौन पेल्टिंग जो है, जब हम नीचे रोड पर उतरे, ऊपर हम रास्ते पर चढ़ रहे थे, लोगों ने ऊपर से पत्थर मारे हैं। हम लोगों के लिए माफी मांगते हैं लोगों से अपने, मैं खुश हूं, मैं औरंगजेब के जो फादर साहब हैं मैं उनसे माफी मांगता हूं, क्योंकि उन्होंने बेटा दिया इस देश को और मैं ये चाहता हूं मैं उनको पार्क बना के देता हूं औरंगजेब के नाम, मैं तालाब बना, मैं क्यों रोकूंगा? जनाब सर की एक बात बताएं, ये बनाया जाता है, इतनी बड़ी फोर्स इस इलाके के अंदर बॉर्डर के किनारे रहती है,
और सबके सामने जो है मैं 8 दिन से पुकारता रहा कि मेरे जंगल का नुकसान मत कीजिए, कॉपरेट कीजिए। हम तैयार हैं, हर घड़ी हम तैयार हैं ना। तो अगर हमें यहाँ डिपार्टमेंट ने लगाया तो भरोसा करके लगाया ना। अगर डिपार्टमेंट अगर डैमेज होता है तो डिपार्टमेंट मेरा मेरे साथ लड़ेगा और मैं डिपार्टमेंट के साथ लड़ूंगा। अरे ऐसी फोर्स जो वर्दी बना के रखी है, हमें क्या करना है यहाँ पर? अगर यहाँ पर किसी की जान चली जाती तो लोग मजाक उड़ाते हैं। आज हमारा मजाक बनाया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कुछ नहीं है। तो क्यों ना एसडीएम साहब पहले खुद लेकर जाए ना जिम्मेदारी पर। जो बंदा जहां जाएगा कि जाएंगे ना, गाड़ी भेजेंगे, फोर्स भेजेंगे तो भेजूंगा मैं, वरना एनक्रोचमेंट छुड़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो मारने के लिए कहीं भी तैयार है। ये तो कौन मरवाने वाला है फिर, पूछिए ना इनको। क्या अगर मैं मिन्नत समाजित करता रहा कि 7 दिन से मेरे गार्ड फॉरेस्ट वहां फंसे हैं, मेरे स्टाफ पर आज इन्होंने पथरवाव कराया है, तो इन्हीं की जो है मेहरबानी है। अगर ये साथ जाते, एक चुना हुआ सरपंच जो सिलानी के अंदर है, मैंने उसको हर तरीके से बोला कि सरपंच साहब डैमेज हो गया है, हम इसका जायजा लेने ऑर्डर के तहत आए हैं, जितना बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा तब भी ठीक है। लेकिन वो पूरे लोग वहां पर लेकर किसकी शह में आया है पूछिए ना, किसने भेजा है पूछिए, सवाल पूछिए एडमिनिस्ट्रेशन से। क्या एसडीएम मेंडरी इतना पावरफुल है कि उसने जो है उस सरपंच को बोलना के लोगों पत्थर मारो फर्स्ट वालों को? अगर रेंजर रहेगा तो फिर ये जो है यहाँ पर ये काम करना है मैंने, अगर नहीं रहेगा तो मेरे को जो है जहां भी लगाइए। तो एसडीएम साहब से पूछिए कि मैंने कितनी मेहनत समाज दिन रात की है कि भाई मुझे डराया जाता है, वॉइस कॉल करके बोलते हैं कि प्रेशर है, मुझे कितना प्रेशर है किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा मुझे। और मेरी छोड़ो, मेरे गार्डों को कितना प्रेशर है? प्रेशर है, अकेला जा नहीं सकता है, क्या करना है हमने यहाँ? डॉक्यूमेंट्स हासिल कीजिए। नबार्ड के अंदर औरंगजेब साहब की जो रोड है वो आई, शहीद हुए हैं, तालाब भी बनना चाहिए, पार्क भी उनके नाम पे बनना चाहिए, सबके लिए एक ही जाब्ता है और यकसा है। हम घर छोड़कर इतनी दूर यहाँ पर कौन सी पॉलिसी है कि मेरा घर डिस्टर्ब करे, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरा पता किया किसी ने डिपार्टमेंट वाले ने, मैंने पुकार लगाई, मेरे वाल साहब की एक्सीडेंट से डेथ हो गई, मैं यहाँ बैठा दयानतदारी से अपना काम किया। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है वो हम पर, यहाँ आकर भी अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट पर मुसीबत है तो इससे अच्छा बेहतर है कि आप हमें कहीं कॉर्नर में लगाइए ना, साइड पर, जहां आपसे ज्यादा जो है फॉरेस्ट की वेल्थ के ऊपर, पुंछ डिवीजन के अंदर या हमारे इलाके के अंदर क्या हो रहा है वो उनसे पूछिए। कितने मोहन चौधरी जो है वो आप अटैच करेंगे, कितने हमारे फर्स्ट जो है डिपार्टमेंट के हम कितने लोग जो है धक्के सहेंगे, जो काम इन्होंने किया आज लोगों को वहां बुलाकर। और ये लगातार कोशिश रही, पहले हमने रिपोर्ट की, मशीन सीज की वहां पर जो गलत तरीके से चल रही थी, हमने कहा कि नहीं भाई ये काम नहीं होगा क्योंकि हमारी नौकरी है। अभी 3 किलोमीटर अलाइनमेंट के अंदर 1 किलोमीटर पहले ही नजायज बना हुआ है पुराना, सैटेलाइट इमेजरी बताएगी कि कितना वो बना हुआ है गलत रोड। और उसके बाद जब इन्होंने एक खसरा शुरू किया तो मैं फौरी तौर पर दौड़ा, लेटर लिखी मैंने कि आप हमें निशान दे दीजिए, हमारे गार्ड और फॉरेस्टर लगे हैं, हम रात को दौड़ते रहे, रात को वहां पहुंचे, ये लोगों को इकट्ठा करते हैं और वहां पर कहते हैं नहीं जी हम मशीन चलाएंगे, रातों रात काम किया। और फॉरेस्ट का जो खसरा नंबर 95 है जिसकी डिमार्केशन इन्होंने जाके पहले की, उसमें काम हुआ था लेकिन रिपोर्ट दी जो मेरे पास इस वक्त पड़ी हुई कि इसमें कोई काम नहीं हुआ है, तरतीमा ये लगा हुआ है जिसका आप अक्स ले सकते हैं। और उसके बाद जब हम दूसरी बार गए, रात को मशीन चली तो 95 खसरा क्रॉस करके जो है मालकी जमीन में पहुंच गए। वहां पर जो है उससे पहले जो है इन्होंने जंगल में जमीन मशीन पर मेरे गार्ड और फॉरेस्टर ने जो है वो रेड पेंट से उसको सीजर मार्क अंडर सेक्शन 26 और 52 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत और एफसी वायलेशन के लिए सीज करके ऊपर हमने कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग अकॉर्डिंगली लगाई थी। जिस इलाके के अंदर एक मशीन लगती है और मैं रात और दिन मिन्नत और समाजत करता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ है, मैं अकॉर्डिंगली पुलिस को, अकॉर्डिंगली हायर अप्स को अपने, और अकॉर्डिंगली मैं एसडीएम साहब को बता रहा हूं और पीडब्ल्यूडी वालों को बोल रहा हूं कि आपकी जो ये एफिशिएंसी, अगर एक रोड इलीगली बनेगा तो आपने 10 चिट्ठियां मुझे बेवक्त लिखी हैं। शुरू में मैंने कहा था अप्रैल में आपके प्रोजेक्ट हैं और कभी कोई डेट नहीं देते हैं हमें कि इस तारीख को आप हमारे साथ चलिए, वहां उसकी निशानदेही कीजिए। हम जब वहां यहां आए, मैंने जब जहां पर मोटिवेशन कैंप शुरू किए, मुझे डीसी साहब ने बोला कि आप मोटिवेशन करें लोगों की, आप हमारे स्टाफ को बोलिए। हमने एक रोड जो है मलकपुर टू मेरे टाइम में आया और 30 डेज के अंदर वो हमारे हायर अप्स ने सैंक्शन किया। देखिए एक तरफ लोग जो है वो रोड बनवा रहे हैं तरीके से और दूसरी तरफ वायलेशन से बना रहे हैं। और मुझे इतना इस केस में मेरा जो जमीर पे चोट पहुंची है, अगर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर हूं तो मैं इसी दयानतदारी से काम करता रहूंगा और करता रहा। आप मेरा रिकॉर्ड देखिए, 120 कनाल मैंने जो है सेब केस में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड होगा, जम्मू में मैंने एरिया खाली करवाया था और जो सबसे खतरनाक रेंज थी फॉरेस्ट परमंडल रेंज थी वहां पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
और वहां पर जो है रकबा खसरा नंबर एक जंगल का बीट के अंदर था, उसके जो मुलजिम है वो आवारा घूमते फिरते हैं। और हम लोगों के पीछे आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वहां पर पहुंच कर खुद और वहां पर हमें पत्थर मरवाए हैं स्टाफ को, और हमारे खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की है, और कैसे काम करेंगे यहां पर मैं और मेरा मीडिया पर्सन का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे ऑफिस में आए। जो आज सुबह वकूआ हुआ उसके सिलसिले में रेंज अफसर साहब ने आपको तफसील में बताया है। जहां तक इलीगल एंट्रीज का मसला है तो हमारे रेंज अफसर साहब पहले बता चुके हैं कि कितने माउंट चौधरी आप पुलिस लगवाओगे। हजारों कनार रकबा जो है वो इलीगल जो एंट्रीज हुई थी फॉरेस्ट लैंड पे, वो खाली इलीगल एंट्री रिकॉर्ड में नहीं हुई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सिर्फ ये काम है कि पहले यूज करते हैं ये पेन ग्रीन, उस ग्रीन पेन के साथ एंट्री होती है और उसके बाद रेड पेन से उसको खारिज करते हैं जब वो ऊपर से आर्डर निकलता है। और इस ग्रीन और रेड पेन के अंदर गरीबों का खून और हमारे लिए बाहर से मुसीबत, ये इलीगल एंट्रीज हैव बिकम द बोन ऑफ कंटेंशन फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और उसके बाद अगर हम अपील करते हैं जाके किसी हाई अथॉरिटीज के पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ द केस ऑफ द मर्डर केस ऑफ द मर्डर इज फाइल्ड बिफोर हिज फादर, हाउ वन कैन एक्सपेक्ट जस्टिस। इसके हमने पहले भी एक बार कहा था कि जितने भी ये पावर्स हैं, अगर डीएफओ हमारा स्टेट ऑफिसर है तो ये पावर्स डीएफओ के पास होनी चाहिए। अगर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सिद्धार अगर एंट्री करता है इलीगल, तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट करोगे कि उसका जो एडिशनल डीसी डीसी बैठा उसको खारिज करेगा। लैंड हमारी है, वी आर द कस्टोडियन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। अगर हम कस्टोडियन है तो फिर ये उनके पास पावर क्यों है अगर वो पावर मिस यूज करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि अगर इन्होंने इलीगल एंट्रीज को खारिज किया है, अब डीएफओ मोहन चौधरी साहब ने करवाया है, अब ये लैंड हमें रिट्रीव करवा के दें। अगर इन लोगों ने लैंड को पहले इलीगल एंट्रीज करके लोगों को वहां बिठाया, बिठाने के बाद वहां इनको जब फूल बरसते रहे और आज पत्थर हम खाएं क्यों? ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि सारा रकबा रिट्रीव करके वापस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिस्टोर किया जाए, ना कि सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड में बल्कि ऑन ग्राउंड भी। उसके अलावा हम रिक्वेस्ट करते हैं डिप्टी कमिश्नर पुण्य साहब से भी कि ये जो हालात बने हुए हैं इस वक्त, इस पर देखा जाए, इस पर कंट्रोल किया जाए। और अपने हम डिपार्टमेंट के हर अथॉरिटी से भी गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हालात देखें, मेंटर कोई गाड़ी वहां मेंटर में नहीं है, कोई सिलसिला नहीं है, रात के आलम में डिपार्टमेंट कहां जाए, ऑफिशियल कहां जाए और कहां जाके मशीनों को सीज करें। हमने डिपार्टमेंट से हर बार कहा, उनसे गुजारिश की कि आप पहले उसकी अलाइनमेंट करें, आरडी नंबर लगाएं, उसके बाद जॉइंट सर्वे करने के बाद फिर आप रोड का काम शुरू करें। और ये मनमानी करते हैं और जो यूज एजेंसीज हैं वो भी किसी बात को नहीं सुनते हैं और मनमानी करके रोडें निकालते हैं, जो हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है। तो हम एसएम साहब से भी गुजारिश करते हैं कि आप ही इस पर गौर करें, देखें ऐसे अगर, या तो आप ये करें कि डिपार्टमेंट को बंद कर दें। पहली बात यह है कि लोग ये चाहते हैं, डिपार्टमेंट ये चाहते हैं सारे कि एक डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो दर्द सर बना है सब डिपार्टमेंट के लिए, तो लिखो चिट्ठी ऊपर डिपार्टमेंट बंद कर देते हैं, या इस जो जमीन बची है उसको हवाले करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, बाकी भी बेचें, तो हमें क्यों बचाना है मुसीबत में। ये हाई अथॉरिटी सोचे और सोचने के बाद इस पर कोई अगर फैसला करते हैं तो ठीक है, वरना हम ड्यूटी नहीं कर रहे।